Okay, so let me repeat once again. Material related cost is 14,600. You need to divide it by its cost driver. Cost driver is machine hours. Machine hours, here you are given the total 1,710. So you just need to divide 14,600 divided by 1,710. Similarly, you have to do it with material handling and dispatching cost. 6,800 is the cost, and cost driver is material movement. The total of material movement was 495. 495. 6,800 divided by 495. Same way for the requisition, stores. Stores are 8,250 divided by requisitions, 130. 130. Yes. Inspection or quality control cost, 5,850. It would be divided by number of inspections, 47. Okay. Next, setup cost, 6,200 divided by number of setups, 43. Here in the second table, you will find it 43. So 6,200 divided by 43. 144.19. Okay. Engineering support, the cost is 8,300. And the cost driver is 190. Yeah. Cost driver is engineering hours. And the total engineering hours are 190. Therefore, 8,300 divided by 190. 43.68. So this is how you have to do. ठीक है यहाँ पर है ना एग्जाम्पल मैंने ये वाला एग्जाम्पल क्यों चूज किया आपको करवाने के लिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब गिवन है बस आपको डिवाइड करके आंसर्स निकालने तो आपको थोड़ा इजी भी लगेगा ठीक है अभी ये वाला क्वेश्चन देखो द फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फॉर द फोर बैचेस मेड इन अ पीरियड देखो आउटपुट इन यूनिट्स प्लीज म्यूट एवरीबडी गौरी गौरी बेटा म्यूट करो देखो आउटपुट इन यूनिट्स ऑलरेडी दिया हुआ है आपको सबका डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लेबर आवर्स पर बैच दिया हुआ है द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोस और उनका कॉस्ट ड्राइवर भी दिया हुआ है देखो मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट 19,600 ये तो अमाउंट भी सेम ही लग रहा है अच्छा यहाँ पे क्या था 14,600 ना यहाँ पे था 14,600 यहाँ पे 19,600 ओके ठीक है और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग 6,800 स्टोर्स 8,250 मतलब सेम ही लग रहा है मुझे देखो सेटअप कॉस्ट इंस्पेक्शन कॉस्ट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट इंजीनियरिंग सपोर्ट और उनके कॉस्ट ड्राइवर्स भी दिए हुए दिख रहा है यहाँ पे आपको ये कॉस्ट ड्राइवर्स यस मैम ठीक है और नीचे कॉस्ट ड्राइवर्स जो है ना उनके टोटल्स भी दिए हुए हैं दिख रहा है आपको सिर्फ इंजीनियरिंग सपोर्ट का टोटल नहीं दिया हुआ है सपोर्ट नहीं आर्स इंजीनियरिंग आर्स का टोटल नहीं दिया हुआ है तो 65 प्लस 38 प्लस 52 प्लस 35 तो आपको ये टोटल मिल जाएगा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो मिल जाएगा तो आप ये होमवर्क कर सकते हैं यस मैम यस मैम ये वाला सम होमवर्क में ले लेना अनसॉल्वड क्वेश्चन मतलब पीडीएफ का 11th पेज पे सम नंबर 1 ठीक है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं just give me 1 minute. Let us start with the second question. Polytron Company Limited manufactures 4 products. Viz, MNOP. Are you guys following me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. MNOP, there are 4 products that are being manufactured by Polyhydron Company Limited. Using the same plant and machinery. Matlab jo machine use hoti hai, wo same hoti hai charo ke liye. The following information relates to the production period of October 2014. Output in units, मतलब कितनी production हो रही है M
2880 यूनिट्स बनाए जाते हैं, एम 2400 यूनिट्स बनाए जाते हैं, ओ 1920 एंड पी 2016 यूनिट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट भी दिए हुए हैं। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे मशीन पे लगते हैं। एम का एक यूनिट बनाने के लिए 8 घंटे लगते हैं, एन का एक यूनिट बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, ओ का एक यूनिट बनाने के लिए 4 आवर्स लगते हैं, और पी का एक यूनिट बनाने के लिए 2 आवर्स लगते हैं। ठीक है। फोर प्रोडक्ट्स आर सिमिलर एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड इन द प्रोडक्शन रन ऑफ 96 यूनिट्स। मतलब एक प्रोडक्शन रन में कितने यूनिट्स बनाए जाते हैं? 96 यूनिट्स पर बैच आर सोल्ड। पर बैच में 96 यूनिट्स बनाए जाते हैं वन प्रोडक्शन रन में। ठीक है। मतलब एक प्रोडक्शन रन में 96 यूनिट्स बनाए जाते हैं और उन्हीं को ही 96 को एक बैच में डालकर बेचा जाता है। सॉरी, मतलब एक बैच बनती है 96 यूनिट्स की और 96 यूनिट्स को एक प्रोडक्शन रन में बनाए जाते हैं। एंड इनको कैसे बेचा जाता है? एंड आर सोल्ड इन द बैचेस ऑफ 48 यूनिट्स। इनको 48 यूनिट्स का ग्रुप बनाकर, बैच बनाकर बेचा जाता है। करेंटली द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर बीइंग एब्जॉर्ब्ड यूजिंग मशीन आवर्स रेट। ठीक है। द प्रोडक्शन ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड अक्टूबर 2014 आर एज फॉलोस। 5 एक्सपेंसेस दिए हुए। देखो, मशीन डिपार्टमेंट, मतलब जो भी मशीन के खर्चे, रिपेयरिंग एंड ऑल, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग, मतलब जो आप रॉ मटेरियल खरीद के आते हो, इंस्पेक्शन कॉस्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट, उसके ड्राइवर्स भी दिए हुए। देखो, मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा मशीन आर्स की वजह से होता है, सेटअप कॉस्ट का खर्चा होता है जितनी बार आप प्रोडक्शन रन्स लेते हो, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, स्टोर रिसीविंग, हमेशा याद रखो स्टोर रिसीविंग रेक्विजिशन से रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ रेक्विजिशंस रेस्ड, इंस्पेक्शन नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, एंड मटेरियल एंड डिस्पैचिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। ये हमने फर्स्ट सम में किया था, याद होगा आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जितने आप एग्जीक्यूट करते हो। इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड दैट मटेरियल डिपार्टमेंट कॉस्ट, मतलब ये जो पहला वाला खर्चा है ना, ये फर्स्ट कैन बी अपॉर्शनड अमंग सेटअप, स्टोर रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन एक्टिविटी इन द प्रपोर्शन ऑफ 4:3:2। मतलब वो ये बोलता है कि जो मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा है ना, वो एक्चुअली अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उनको है ना बांट दो। किस में बांट दो? खर्चा तो हो गया, पर अब बांट दो। किस में बांट दो? सेटअप कॉस्ट में, मतलब सेकेंड वन, स्टोर रिसीविंग में, मतलब थर्ड वाला कॉस्ट, एंड इंस्पेक्शन कॉस्ट, मतलब फोर्थ वाला कॉस्ट। इन तीनों में बांट के ले लो। कौन सा खर्चा? मशीन डिपार्टमेंट का। कौन से रेशियो में बांटना है? 4:3:2। सिंपल। टोटल खर्चा कितना है? 2,52,000। आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर? Yes, दिख रहा है ना? हाँ, 2,52,000 को मुझे पूरा का पूरा डिवाइड कर देना है 4:3:2 में, तीन खर्चों में, सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट। चलो आगे देखते हैं। The number of requisitions raised on the store are 100 for each product. कितने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? M, N, O, P. कितने प्रोडक्ट्स हो गए? 4. और एक प्रोडक्ट पे कितना रिक्विजिशन है? 100. तो 100 into 4 मतलब टोटल कितना हो जाएगा रिक्विजिशन? 400. The total number of material handling and dispatching order executed ड्यूरिंग द पीरियड आर 384। ये तो दिया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड कितने हैं? 384। हाँ, एंड ईच ऑर्डर बीइंग फॉर बैच साइज ऑफ 48 यूनिट्स। ये तो हमको ऊपर भी उसने बता दिया था ना कि हम लोग एक बैच में 48 यूनिट्स को डालकर बेचते हैं। देखो, एंड आर सोल्ड इन द बैचेस ऑफ 48 यूनिट्स, नीचे भी वही रिपीट किया है। ये देखो, एंड ईच ऑर्डर, एक एक ऑर्डर को बैच साइज के 48 यूनिट्स का बैच साइज बनाया जाता है और बेचा जाता है। वो सेम चीज बोली है, वो मेरे काम की नहीं है इतनी। कैलकुलेट करना आपको CDR, तो लिखो ऊपर से सबसे पहले कॉस्ट
कंपनी का कुछ नाम है इसका, कंपनी का नाम पाइप पॉलीहाइड्रॉन कंपनी लिमिटेड, लिखो पॉलीहाइड्रॉन कंपनी लिमिटेड। अच्छा नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सीडीआर। कॉलम्स बनाएंगे पर्टिकुलर्स, सॉरी पहला कॉस्ट, सेकंड कॉलम कॉस्ट ड्राइवर, थर्ड कॉलम कैलकुलेशन, फोर्थ कॉलम सीडीआर। डन? यस मैम। यस मैम। अब सबसे पहले आप बोलोगे, तो आप बोलोगे सबसे पहले तो हमको ये पांचों की कॉस्ट को कॉपी करना है, फिर ड्राइवर को कॉपी करना है। मैं बोलूंगी नहीं। yes. नहीं क्यों? क्योंकि मशीन डिपार्टमेंट का पहला खर्चा अब एग्जिस्ट नहीं करता। इसको मशीन डिपार्टमेंट का जो खर्चा है ना 2,52,000, उसके लिए नीचे एडजस्टमेंट में फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट क्या बोली है, इट इज ऑल्सो डिटरमाइंड दैट मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट शुड बी अपॉर्शनड, अपॉर्शन मतलब डिवाइड कर दो अमंग सेटअप कॉस्ट और रिसीविंग कॉस्ट इंस्पेक्शन एक्टिविटी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3:2। मतलब अब मुझे एक अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जैसे इन्होंने बनाया। ये दिख रहा है आपको वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट नंबर वन है। तो आपके लिए टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएंगी, चार। ये देखो ये आपका जो मेन आपने जो सीडीआर निकालना है ना वो चार का निकालना है, पांच का नहीं निकालना है, चार चीजों का निकालना है। क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो मशीन डिपार्टमेंट था ना उसको मैंने एलोकेट कर दिया, डिवाइड कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया तीन खर्चों में। तो आ जाओ नीचे, यहाँ पे चार चार की जगह छोड़ दो, देखो इतनी जगह लगेगी आपको, चार एक्सपेंसेस की जगह छोड़ दो और नीचे वर्किंग नोट बनाने के लिए आ जाओ, खाली छोड़ो वो टेबल को। आ जाओ सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर वन, लिखो जैसे मैं बोल रही हूँ, लिखो वर्किंग नोट नंबर वन। जगह छोड़ी है ना वो टेबल की, सीडीआर के टेबल की। yes, ma'am. हाँ वर्किंग नोट नंबर वन, मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है डिवीजन, कॉस्ट को मैं डिवाइड करके दे रही हूँ, बांट के देना बोलते हैं ना, शेयर करके देना वैसा। अपॉर्शनमेंट मैम। हाँ अपॉर्शनमेंट, ए डबल पी ओ आर पी आई ओ एन ई सॉरी टी आई ओ एन एम ई एन टी। ओके ठीक है चलो। सबसे पहला लिखो कॉलम्स कितने बनेंगे, यहाँ पे देखो तीन कॉलम्स बनाए, आप भी तीन कॉलम्स बनाओ। सबसे पहला एक्टिविटी, मतलब कितनी एक्टिविटीज हैं आपके पास, तीन, जिसमें आप बांटोगे कितनी एक्टिविटीज हैं, तीन। तो तीन एक्टिविटीज, उसके बाद कैलकुलेशन और अमाउंट। कैलकुलेशन के ब्रैकेट में लिखो 4:3:2। कैलकुलेशन के ब्रैकेट में लिखो 4:3:2। मुझे पता है यहाँ पे नहीं लिखा है पर आप लिखो, आपको समझेगा ये 4:3:2 कहाँ से आए, ये वाली एडजस्टमेंट कर्सर को देखो मेरे। yes. ठीक है चलो। सबसे पहला सेटअप कॉस्ट, एक्टिविटी में लिखेंगे सबसे पहला सेटअप कॉस्ट, उसके नीचे लिखेंगे स्टोर रिसीविंग, उसके नीचे लिखेंगे इंस्पेक्शन। अब ये आया कहाँ से, ये ऊपर जहाँ एडजस्टमेंट मैंने पढ़ी ना वहां से आया। इसको अपॉर्शन करना है तीन जगहों पे, तीन एक्टिविटीज में, सेटअप स्टोर रिसीविंग इंस्पेक्शन, ऐसा उसने बोला है इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3:2। अब बहुत सिंपल है, टोटल खर्चा कितना है इसका मशीन डिपार्टमेंट का, 2,52,000। हाँ तो कैलकुलेशन कैसे होगी, 2,52,000 × 4/9, 2,52,000 × 3/9, 2,52,000 × 2/9। आप लिखो ऐसे, बट मैं कैलसी पे आपको शॉर्टकट सिखाऊंगी। शॉर्टकट कैलसी लो अपने हाथ में, लिखा कैलकुलेशन में 2,52,000 × 4/9 सेटअप कॉस्ट, 2,52,000 × 3/9 स्टोर रिसीविंग, 2,52,000 × 2/9 इंस्पेक्शन कॉस्ट। ये सबने लिखा? यस मैम। हाँ अब इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो।
सबका डिनोमिनेटर 999 कॉमन है। अच्छा अभी सबको डाउट, बहुत सारे बच्चों को ना डाउट होता है मैम ये 9 कहाँ से है, 4/9, 3/9, 2/9, 4:3:2, 4:3:2 तो आप बोलोगे समझ में आ गया, पर 9 किधर से आया, 4+3 7, 7+2 9, तो ये 4/9, 3/9, 2/9, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट कैसे करने का बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है, बहुत जनों को नहीं पता होता है, जिनको नहीं पता है फॉलो मी, लिखो कैलसी में डालो 2,52,000, जो कॉमन है ना, जो कॉमन तीनों में कॉमन है उसको एक ही बार डालेंगे अपन, 2,52,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई की साइन, डिवाइड 9 मल्टीप्लाई, ये एक ही बार डालना है, फिर से रिपीट नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन की साइन भी फिर से रिपीट नहीं करनी है। क्या कैलसी में डाला, 2,52,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई, किया इतना किया सबने, आपकी कैलसी पे 28,000 दिख रहा है क्या? Yes. हाँ, कुछ मत करो, मल्टीप्लाई कर चुके हो आप, अभी कुछ मत करो, फोर प्रेस करो, फोर इक्वल्स टू 1,12,000, देखो मैच हो रहा है आंसर टेक्स्ट बुक से, 1,12,000 आ रहा है, पहले लिखो, पहले लिखो 1,12,000 आप लिखो, वर्किंग नोट में लिखो, अभी कैलसी पे कुछ नहीं करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लीज रुको, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, रुको, अब आपके कैलसी पे 1,12,000 दिख रहा है, कोई साइन प्रेस नहीं करनी है, ना मल्टीप्लाई ना डिवीजन, कुछ भी नहीं, सीधा 3 = 3 = 84,000 आया ना, 84, देखो शॉर्टकट है ये शॉर्टकट मेथड, 84,000 आपका आ गया, कर्सर देखो मेरा उससे मैच कर रहा है, चलो अब क्या प्रेस करूं, अब क्या चाहिए, 2 = 2 = 2, वेरी गुड, 2 = 2, 56,000 आया, 56,000 आपके साथ मैं भी कर रही हूँ, जैसे मुझे पता लगे कि आपकी कैलसी पे क्या दिख रहा है, 4:3:2 मतलब टोटल होगा 9, तो 2,52,000 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई, इसको एक ही बार डालने का, क्योंकि ये कॉमन है ना, तीनों में कॉमन है ये, तो जो कॉमन है ना उसको एक ही बार डालने का, डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई, उसके बाद जो चाहिए ना वो नंबर प्रेस करके इक्वल्स टू, 4 = 3 = 2 = 2, तो आपके आंसर्स आते जाएंगे। अब आप तीनों को वापस ऐड करोगे ना, ये देखो 1,12,000, 84,000, 56,000, इन तीनों को ऐड करोगे ना तो 2,52,000 ही आएगा, वो तो ऑब्वियसली 2,52,000 को ही मैंने डिवाइड किया ना, वो यहाँ पर हम 2,52,000 चेक करने के लिए निकाल सकते हैं कि क्या मेरा 1,12,000 सही है, 84,000 सही है, वो चेक करने के लिए आप निकाल सकते हो टोटल, ठीक है। अभी आप अपने स्टेटमेंट में वापस आ जाओ, सीडीआर का स्टेटमेंट ऊपर जो खाली छोड़ा था, ठीक है, अब उसमें आ जाओ, चलो उसमें सबसे पहला सेटअप कॉस्ट, अब मशीन डिपार्टमेंट का खर्चा तो गया, वो तो डिवाइड हो गया, तो अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, टोटल 5 खर्चे थे, अब कितने रह गए, कितने रह गए, वेरी गुड, 4, तो सबसे पहले लिखेंगे सेटअप कॉस्ट, और वहीं पे उसके बिल्कुल बाजू में ब्रैकेट बनाएंगे, क्या ब्रैकेट बनाएंगे, कि उसका पहले खर्चा कितना था 80,000, और अब मशीन डिपार्टमेंट का भी खर्चा सेटअप ने ले लिया कितना, 1,12,000, देखो मेरी बात सुनो, मेरा मशीन डिपार्टमेंट है, आपका सेटअप डिपार्टमेंट है, आपने मेरे से खर्चा ले लिया ना कितना, 1,12,000, पर आपके सर पे ऑलरेडी खर्चा था कितना, 80,000, 80,000, तो अब आपका टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, 80,000 प्लस 1,12,000, तो आपके डिपार्टमेंट का, आपकी एक्टिविटी का टोटल खर्चा कितना हो जाएगा, आप मुझे बता सकते हैं, 1,92,000, देखो यहाँ पर चेक करो, राइट है ये 1,92,000 दिख रहा है आपको यहाँ पर, एक मिनट रुको मैं आपको बता दूँ, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है कैलकुलेशन में 1,92,000, अगर आपने ये वर्किंग नोट बनाया ही नहीं होता, 1,12,000 निकाला ही नहीं होता, तो आपको समझता ही नहीं कि ये 1,92,000 आया किधर से, आप समझ गए, यस मैम, यस मैम, लिखो 1,92,000
1,92,000। अब नीचे आ जाओ, नेक्स्ट स्टोर रिसीविंग कॉस्ट। स्टोर रिसीविंग, पहले स्टोर रिसीविंग कितना था 60, तो ब्रैकेट उधर ही ब्रैकेट बनाओ कॉस्ट के कॉलम में। पहला कॉलम 60,000 प्लस स्टोर रिसीविंग ने मटेरियल डिपार्टमेंट से कितना खर्चा अपने सर पे लिया, 84,000 मेरे खर्चे पे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, 84। तो पहले 60, अब 84, तो टोटल कितना हो गया 1,44,000। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 144 दिख रहा है। Yes, चलो आगे बढ़ते हैं। इंस्पेक्शन कॉस्ट, आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट पहले कितना था 40,000। अब इंस्पेक्शन कॉस्ट में मटेरियल डिपार्टमेंट से कितना ले लिया 56,000। तो 40 प्लस 56 कितना होता है 96,000 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट एक और खर्चा है, लेकिन उसके पास अपना खुद का ही खर्चा बहुत है। उसने बोला मैं मटेरियल डिपार्टमेंट से कुछ नहीं लेना चाहता, ठीक है, तो उसके पास जो है सो है। मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग कितना खर्चा है उसके पास 10,368। हाँ, इसके लिए कोई ब्रैकेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अभी कॉस्ट ड्राइवर को फिल करो। कॉस्ट ड्राइवर को जस्ट कॉपी करते हैं क्वेश्चन में से, इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करने का। चलो सबसे पहला सेटअप कॉस्ट, उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, वेरी गुड। स्टोर रिसीविंग का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेज्ड, वेरी गुड। इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, एंड लास्ट मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, वेरी गुड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड। चलो बहुत बढ़िया, अभी मुझे चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। सबसे पहला आइटम मेरा सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट के लिए मुझे चाहिए नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2। पहला वर्किंग नोट आप बना चुके हो, अब बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2। आपको याद होगा मैंने आपको ऐसे सिखाया था, एक मिनट रुको। ये देखो, ये याद है, ये वाला। यस मैम, यस मैम। अब हम कौन से सम के लिए कर रहे हैं, सम नंबर 2 ना। यस, ये था आपका सम नंबर 1। अच्छा कोई मुझे बताएगा वन प्रोडक्शन रन पे कितने यूनिट्स बनाए जा रहे हैं? 96 या 98। अच्छा रुको, मैं एक मिनट क्वेश्चन ओपन करती हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाए। ये रहा मेरा क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग से देखेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, टेबल के नीचे वाली लाइन रीड करो। Four products are similar and are usually produced in the production run of 96 units. एक production run में कितने units बनाए जा रहे हैं? 96 units. Very good. तो total number of goods को कितना produce किया गया? कितने units production हुई है? कितने units आप total produce कर चुके हैं? कौन बताएगा कैसे निकालेंगे? कल ही सिखाया था मैंने आपको ये। 96 into 2880। ना ना, अरे एक पे कंफ्यूज हो गए ना आप लोग, क्यों नहीं समझ आ रहे हैं? आपको बहुत सिंपल है, आपने मशीन चालू करी और बंद करी, उसके बीच में आपने 96 यूनिट्स बनाए हैं। यूनिट्स का मतलब पकड़ो प्रोडक्ट्स, 96 प्रोडक्ट्स बनाए हैं आपने, ठीक है। अब मेरे पास तो चार तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, एम एन ओ P. क्या मैंने चारों तरीके का एक एक प्रोडक्ट बनाया? नहीं। क्या मैंने चारों तरीके का एक एक प्रोडक्ट बनाया है? No. नहीं। अच्छा, M के कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं? 2,800। N के कितने बनाए हैं? 2,400। O के कितने बनाए हैं? 1,920। और P के कितने बनाए हैं?
2016. तो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने टोटल कितने प्रोडक्ट्स मशीन पर बनाए हैं, तो आप क्या करोगे? ये सब का टोटल करके. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आउटपुट, आउटपुट का मतलब होता है कितने प्रोडक्ट्स बन चुके हैं, फिनिश्ड गुड्स. आउटपुट का मतलब होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट. कितने यूनिट्स, मतलब प्रोडक्ट्स, कितने यूनिट्स बन चुके हैं. 2880, 2400, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आपके लिए, देखो ये देखो ब्रैकेट में 2880 प्लस 2400 प्लस 1920 प्लस 2016 9216 बराबर है ये? Yes. पक्का बराबर yes, है? ठीक है. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे बताइए कितना आ रहा है. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 9216 डिवाइडेड बाय 96, तो कितने प्रोडक्शन रन्स होंगे? 96. पक्का? यस मैम. 90. यस मैम. 96 पीआर. पीआर का मतलब होता है प्रोडक्शन रन्स. कल के जैसा ही तो पॉइंट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ फिगर्स अलग हैं. सिर्फ और सिर्फ फिगर्स अलग हैं और कुछ भी डिफरेंस नहीं है. कल भी हमने 480 यूनिट्स निकाला था, जहाँ यहाँ 9216 है ना, वहां हमने 480 यूनिट्स निकाले थे. कैसे निकाले थे? वो ही सिस्टम, प्लस चारों प्रोडक्ट्स को प्लस करके. ठीक है, तो 96 PR, ये वर्किंग नोट बनाया सबने, बनाया? यस मैम. आपको चाहिए तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो. क्या फॉर्मूला है देखो, 9216 का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. हाँ, टोटल आउटपुट, या फिर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑफ पी क्यू सॉरी एम एन ओ पी. ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन प्रोडक्शन रन. डिवाइडेड बाय यूनिट्स इन प्रोडक्शन रन मतलब एक प्रोडक्शन रन पे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, 96. तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 96 पीआर मिलेगा. तो अब आ जाओ स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट में सेटअप कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन. सेटअप कॉस्ट कितना निकाला? 192. 192,000 को 96 से डिवाइड करो और मुझे बताओ सीडीआर कितना आएगा. 2000. चेक करो आपका सॉल्यूशन सामने है स्क्रीन पे. यस मैम. बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. और ये 192 कैसे आया वो समझा सबने? Yes, ma'am. उसका तो ब्रैकेट yes. आपने यही बनाया होगा. ये मेरे कर्सर को देखो, यहाँ पे बनाया है ब्रैकेट? Yes, ma'am, यही बनाया. हाँ, yes, ma'am. 192 का ब्रैकेट यहाँ पे ही बनाया और 96 कहाँ से आया वो ये वाला वर्किंग नोट बना दिया आपने. yes, yes, चलो आ जाओ अभी नेक्स्ट पॉइंट पे. स्टोर रिसीविंग. स्टोर रिसीविंग का खर्चा है 1,44,000. ये हमने ब्रैकेट बनाया है ऑलरेडी, यहाँ पर बनाया है सबने 1,44,000 का ब्रैकेट. यस मैम. ठीक. नंबर ऑफ रिक्वायरेशन रेज्ड. अब ये मेरे पास नहीं दिया हुआ, डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है. इसका बेस है नंबर ऑफ रिक्वायरेशन रेज्ड. यहाँ पे देखो, चेक करो. स्टोर रिसीविंग का खर्चे का बेस है नंबर ऑफ रिक्वायरेशन रेज्ड. अभी नीचे क्या बोला है देखो, द नंबर ऑफ रिक्वायरेशन रेज्ड ऑन द स्टोर आर 100 फॉर ईच प्रोडक्ट. 100 फॉर ईच प्रोडक्ट. तो कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? एम एन ओ पी. तो एक पे 100, तो फोर पे कितना? 400 बराबर है? 400. लिखो. यस मैम. लिखो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग नोट नंबर 3. हाँ, वर्किंग नोट नंबर 3. टोटल नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ड इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ड इज इक्वल्स टू. आपको चाहिए तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, या फिर चाहिए तो मेरे हिसाब से करो. ये देखो यहाँ पर वन रिक्विजिशन रेस्ड एक मिनट
क्या लिखा है उसने, स्टेटमेंट क्या लिखा है, 100 फॉर ईच प्रोडक्ट, सॉरी वन प्रोडक्ट पे 100 फॉर ईच प्रोडक्ट, ईच प्रोडक्ट मतलब वन प्रोडक्ट पे 100 आरआर, 100 रिक्विजिशन रेज्ड है, तो मुझे कितने प्रोडक्ट्स का चाहिए, फोर प्रोडक्ट्स पे कितना रिक्विजिशन रेज्ड होगा, 400। हाँ, क्वेश्चन मार्क नीचे आपका आंसर, आपको चाहिए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 400 आरआर, आरआर मतलब रिक्विजिशन रेज्ड, और ये रिक्विजिशन है ना नंबर्स में होता है, नंबर्स, 100 बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया, 400 बार मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आया समझ में, क्लियर है? यस मैम। ओके, तो आप लिखिए 400 पहले, 400 का ये वर्किंग नोट बनाइए जैसे मैंने बनाया है, या आपको चाहिए तो वो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जैसे टेक्स्ट बुक में दिख रही है यहाँ पर स्क्रीन पर, दोनों में से कुछ भी चलेगा, आंसर दोनों का सेम है, वहां पर मैंने आपको लॉजिक क्लियर किया, यहाँ पे फॉर्मूला क्लियर हो रही है। अच्छा, अभी स्टेटमेंट में आ जाओ, 144,000 को 400 से डिवाइड करना है, स्टोर रिसीविंग का खर्चा 144, नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस्ट 400, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 360 मैम, 360 आ रहा है, यहाँ पे भी करेक्ट है। अब आ जाओ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का आपने ऑलरेडी ब्रैकेट बनाया है, तो ब्रैकेट बनाकर 96,000 निकाला है आपने, यस मैम, ठीक है, 96,000 को किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, वो उसका कॉस्ट ड्राइवर है, आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, ये देखो इंस्पेक्शन का कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, आपने ऑलरेडी अभी वर्किंग नोट नंबर 2 में कितने प्रोडक्शन रन्स निकाले हैं, 96, बस उसी से ही डिवाइड करना है आपको, वेरी सिंपल, आपने ऑलरेडी ढूंढ के रखा है, बस उससे आपको डिवाइड करना है, तो 96,000 डिवाइड बाय 96,000 हो गया। चलो लास्ट, मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैचिंग, इसका खर्चा आपको क्वेश्चन में मिलेगा 10,368 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, पढ़ो ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ दिया हुआ है ना, ये पढ़ो, आपको पता लगेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द पीरियड आर 384 डायरेक्टली दिया हुआ है, देखो पढ़ोगे तो समझेगा, या मेरे कर्सर को देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी 384 रेडीमेड अवेलेबल है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है 10,000